माय ग्रैंडफादर एंड माय ग्रैंडमदर। मेरा नाम बाबूलाल है, ये मेरी पोती अच्छा है, अच्छा है, ये पढ़ के बहुत होशियार बनो, सुखी रहो। हेलो, ये माय नेम इज जुगुम बेन, ये मेरी पोती है, मैं इसकी दादी हूँ, बहुत पढ़ के होशियार हो जाए, नाम रोशन करे। थैंक यू एवरीवन। मैं सुमेरमल संगवी हूँ, मैं अथा का नाना जी हूँ, अथा मेरी दोहिती है, अथा बहुत सुंदर और सुशील लड़की है, वो मेरी बहुत सेवा करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और उसका एक्टिविटी बहुत अच्छा है, मैं उसको बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई विश माय ग्रैंड चाइल्ड जैनल टू बी अ क्रिकेटर, he too wants to be a cricketer, therefore my wish also is he should be a cricketer, may god bless him and your blessing will make him success in his life, thank you। मेरा नाम बंशीलाल इंदानी है, मेरा पोता लव्य कुमार इंदानी है, मैं लव्य कुमार को डॉक्टर बनाने की इच्छा रखता हूँ और कहता हूँ कि देश का भला करे और फिर परिवार का भला करे, मैं यही चाहता हूँ कि 100 पेशेंट में 10 पेशेंट फ्री इलाज करे और देश का नाम रोशन करे, यही मेरी कामना है। मैं लहू की दादी सुशीला इंदानी और मेरा पोता लहू इंदानी डॉक्टर बने और परिवार का नाम रोशन करे, थैंक यू। माय ग्रांड डॉटर साची जो है बहुत अच्छी गुड़िया है और बहुत होशियार है, हमारी ख्वाहिश है कि हमारी पोती बहुत आगे आए और सबके साथ मिलजुल के चले और पढ़ाई में बहुत ध्यान रखती है, हमारी शुभकामना है कि हमारी पोती बहुत आगे जाए। समय तलरेजा की नानी माँ, समय एक होशियार हुनर हार लड़का है, वो इसका माइंड एकदम पावरफुल है, वो मुझे पूरा विश्वास है कि वो आगे चलकर पढ़ाई एक डॉक्टर बनेगा और ऑल द बेस्ट समय, और मेरी दुआएं आपके साथ है। नमस्कार नमस्कार, मैं आरव खानवानी का दादू गिरधारी खानवानी, हर माँ बाप को दादी दादू को तमन्ना होती है कि मेरा पोता मेरा बच्चा जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बने, कोई सोचता है ये बने, कोई सोचता है वो बने, मगर किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या बनेगा। प्रभु ने हर इंसान की किस्मत अपनी अपनी बनाई है, किस मोड़ पे कहाँ किसकी किस्मत चलती है वो प्रभु ही जाने, बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वो व्यापारी बने तो सच्चा और ईमानदार बने, अगर वो सरकारी कर्मचारी बने तो मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन व्यस्त करें और अपने देश की सेवा में सबकी मदद करें। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी तमन्ना है और हमारी उम्मीद है कि हमारा बच्चा एक न एक दिन बहुत बड़ा और नेक इंसान बनेगा, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। शुक्रिया, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।